हाउ मच स्टार्च, एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप सभी 12th के बच्चों का स्वागत है। क्योंकि अभी तक हम दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट, लेसन नंबर 13, ए बॉयज टॉक। लेसन नंबर 13 है बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत। बाल गीत का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा इस गीत को गा रहा है, लेकिन किसी इंसान की सबसे जो सहज प्रवृत्ति होती है उसका स्वाभाविक, हर इंसान की अपनी यदि स्वाभाविकता है उसका आपका बचपन। बचपन में बच्चा बिल्कुल सहज होता है, कुदरती होता है, क्योंकि जो संसार की हवाओं से लगी नहीं होती है ना, बिल्कुल नेचुरल होता है। एक उसी अवस्था का ये गीत है, ए बॉयज सॉन्ग। इसे पढ़ने के पहले आपके पास बुक्स होगी, थोड़ा बुक्स खोल लीजिए। मेरे पास बुक्स है, कभी परिचय हम पढ़ लेते हैं ताकि इस पॉइंट को समझने में आसानी रहेगी। पॉइंट बहुत छोटी है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फिनिस्ट। पर छोटी कविताएं अक्सर काफी कुछ कह जाती है। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कविताएं या बहुत ज्यादा शब्द तो कुछ कह नहीं पाते, उसके मुकाबले में कई बार एक छोटा सा शब्द तो अपना सब कुछ कह देता है। ये कविता उसमें से एक है। पहले देखिए, आप अपनी अपनी किताबें बोल दीजिए, मैं इस कवि का परिचय और कविता के बारे में थोड़ा बता देता हूं। Wilfrid Wilson Gibson was born at Hexham in England 1878. इंग्लैंड के हेक्सम नामक एक जगह पर 1878 में जन्म हुआ था Wilfrid Wilson Gibson। बड़ा नाम है, क्योंकि देखकर परिचय आपको पूछता नहीं इसमें, इसलिए कोई इश्यू नहीं, पर जाना जरूरी है। He was a good friend of famous poet Robert Brooke। रॉबर्ट ब्रूक जो बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है, उनके एक अच्छे दोस्त थे। द पॉइंट ए बॉयज सॉन्ग appeared in his first verse called the Mountain Cover। और ये जो कविता है उनकी, जो पद्य की जो पहली किताब थी, उस किताब का नाम था Mountain Cover, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। ब्रॉट आउट इन 1902 में कविता प्रकाशित हुई थी। Gibson died in 1962 और 1962 में इसकी मृत्यु हो गई। अभी पॉइंट क्या कहेंगे देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको समझाने के पहले दो तीन चीजें मैं आपको समझा देता हूं। चलिए पहले जो कवि कह रहा है उसे देख लेते, फिर मैं अपने हिसाब से लिखता हूं उसे। द पॉइंट इज अबाउट नेचर्स गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। ये जो कविता जो बात करती है, जो प्रकृति का जो सबसे प्राकृतिक मूल्यवान उपहार है, स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी। अब ये स्वतंत्रता, फ्रीडम, आजादी बड़े भारी भारी शब्द लगते हैं, पर ये शब्द है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। लाइक मैन वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। जिस प्रकार इस धरती पर जो इंसान है उसका अपना महत्व, ठीक इसी प्रकार जो कायनात में, इस कुदरत में जो पक्षी है उनका भी उतना ही अपना महत्व है। That add to the beauty of nature and the joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air। और यही परिंदे, यही पक्षी, जब इन्हें आसमान पे उड़ने के लिए खुला छोड़ दिया जाए, तब ये हमें क्या करते हैं, एक अभूतपूर्व प्रसन्नता देते हैं। आसमान में भी उड़ते हुए परिंदों को एक साथ देख लो यदि कतार में, तो उससे खूबसूरत दृश्य कुछ होता ही नहीं है। वो खूबसूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो परिंदे उड़ रहे हैं, वो उसकी खूबसूरती हमें इसलिए लगती है क्योंकि हमें लगता है कि नीचे कितने आजाद है, कितने फ्री है। विच स्प्रिंग फ्रॉम द रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स अनकेस्ट एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी बात हमें महसूस कराती है कि इस धरती पर जितने भी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उनका अस्तित्व क्यों है, खुले आसमान में उड़ने के लिए, अपनी तरफ से
कुछ भी नहीं। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काइज बिलोंग टू हिम, जितना जो सागरों का था विस्तार है वो हरे भरे पेड़ ये सब उन परिंदों के लिए है। बिकॉज ही डज नॉट सेट द ट्रैप द केज देयर, पर ये तब तक ही हो सकते हैं जब तक कि हम इन पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई पिंजरे न लगाए। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोगों को हम दूसरों को गुलाम करने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर होती है। हम ठीक परिंदों को जानवर को हम इसी प्रकार से गुलाम कर लेते हैं, पर ये तब तक ही बहुत अच्छे लगते हैं जब तक कि खुले आसमान में उड़े। द पॉइंट सक्सेसफुली एस्टिब्लिश द इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स एंड दस शो ए टेंडेंसी टवर्ड्स एम्पैथी। और उस कवि को भी लगता है कि ये सभी उसके पक्षी होते हैं क्योंकि उसने हमेशा इनको आजाद रखा, कभी किसी को उसने गुलाम बनाने की बंधन में जकड़ने की कोशिश नहीं की। चलिए मैं थोड़े अपने हिसाब से बता देता हूँ व्हाट इज दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से देखिए, देयर इज ए मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द नेचर इज द फ्रीडम। दुनिया का सबसे अभूतपूर्व जो कीमती जो उपहार हमें मिला हुआ है वो आजादी है। जस्ट लाइक ए एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, यदि आपको बहुत बड़ा महल दे दिया जाए, बहुत बड़ा महल, हजारों कमरे हो और सब प्रकार की उसमें सुख सुविधा हो, अत्याधुनिक प्रकार की सब प्रकार की सुख सुविधा हो, अंदर आपको अलग अलग प्रकार के खाने मिलते हो, जितनी शाम की सब वस्तुएं, अंदर थिएटर भी है, अंदर खेल के मैदान भी, स्विमिंग पूल है, गाड़ियां घोड़े सब अंदर, महल बहुत बड़ा है। पर आपसे यदि ये कहा जाए कि बस शर्त ये है कि आप इस महल के अंदर रह सकते हो, बस शर्त ये है कि इससे बाहर कभी नहीं जा सकते हो, मुख्य दरवाजा आपके लिए बंद है, आपको रहना तो अंदर ही है। शायद इतनी शाम शौकत के बाद भी, इतनी बड़ी कीमत के बावजूद भी, आप में से कोई भी या शायद कोई भी नहीं उस महल में रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि तो वहां पर सब कुछ है पर एक चीज नहीं है, दैट इज द फ्रीडम, आजादी। देखिए आजादी हमें प्रकृति ने उपहार मिली है, ये दुनिया का सबसे कीमती उपहार इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये सबसे बुनियादी जरूरत है हमारी। हजारों हजारों साल से इंसान की आदत पड़ी हुई है दूसरों को गुलाम बनाना, दबा के रखना, पर ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमें जो मिला है अपनी जन्म के साथ, हमारी पैदाइश के साथ जो हमें मिला है, सबसे पहली और कीमती चीज हमें मिली कि हमारी अपनी आजादी, हमारी अपनी फ्रीडम। तो यहां पर जो कवि है पक्षियों के माध्यम से अपने इमोशंस को शो कर रहा है, वो बता रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, कि आजादी का मतलब क्या होता है। आजादी का मतलब स्वच्छता नहीं होता, इस चीज को थोड़ा समझ दीजिए, कई लोग इसके गलत अर्थ भी निकालते हैं। स्वच्छता का मतलब होता है कि अपनी आजादी का दुरुपयोग करना। यू आर फ्री, आजादी तुम्हें मिली हुई है, आप फ्री हो, पर जिस क्षण जिस कदम पर आपकी आजादी खत्म होती है वहीं से दूसरों की शुरू होती है। हमेशा अपनी आजादी के चक्कर में एक बात हमेशा ख्याल रखना कि आप किसी दूसरे की आजादी को छीनने की कोशिश ना करें। कोई परिंदा आसमान में उड़ रहा है परंतु वह परिंदा ये सोचे कि सिर्फ मैं ही उड़ू और दूसरे परिंदों को पिंजरे में बंद कर दू तो ये दूसरे परिंदों के साथ नाइंसाफी होगी। यहां पर जो कभी एक परिंदे की आजादी के साथ अपने आप को बहुत ही अटैचमेंट महसूस करता है, उसके साथ अपने आप को संबंधित करता है, ये साझा वही है। देखिए बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं, पर समझने वाली बात है। साझा नंबर वन, बिकॉज आई सेट नो स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है फंदा, लिख देना, फंदा जिसे जाल भी कहते हैं। फंदा अक्सर पंछियों को फंसाने के लिए फंदा लगाया जाता है, इस चीज को थोड़ा समझ जाऊं। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, फ्री का मतलब आजाद उन्मुक्त, फ्लाइंग का मतलब उड़ना। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। अब यहां पर देखिए इस कविता की दूसरी लाइन फ्री और बी, इसे हम क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं हिंदी में, ये इस कविता को गाया भी जा सकता है। पर देखिए फिलहाल इसका देखिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, पक्षियों को फंसाने के लिए फंदे लगाए जाते हैं। देखिए यदि
मैं सिर्फ शब्दों में कहूं कि फंदे लगाए जाते तो आप शायद ही समझोगे। बहुत समय पहले अखबार में मेरी एक न्यूज पब्लिश हुई थी, ये दिल मांगे मोर। उसमें मैंने एक कवर स्टोरी की थी कि मोर को फंसाने के लिए किस प्रकार से लोग फंदे लगाते हैं। कैसे किसी एक फंदे का साक्षी में बना था, दूर किसी पहाड़ी पर एक फंदा लगाया गया था जिसके अंदर मोर की गर्दन फंस गई थी। और जिस समय मुझे पता चला, हालांकि पहले से पता था कि ऐसा होता है, पता चला तो दौड़ के वहां पर गए, उस फंदे को निकालने की कोशिश की, वो मोर जिस प्रकार से वो पक्षी फड़फड़ा रहा था और उसके बाद उस फंदे में उसकी गर्दन फंसने के बाद उसकी मृत्यु भी होगी, पर उसकी वो फड़फड़ाहट, वो बेचैनी, उससे उस फंदे से मुक्त होने के लिए उसका जो संघर्ष, वो मुझे आज भी याद है। यहां पर बात कर रहा है कि बिकॉज आई कैट नो स्नेयर, कभी कह रहा है कि क्योंकि मैंने किसी पक्षी को फंसाने के लिए कभी कोई जाल नहीं बिछाया, मैंने किसी पक्षी को फंसाने के लिए कभी कोई फंदा नहीं लगाया। अर्थात कि कवि की मंशा कभी थी नहीं कि किसी को वो गुलाम बनाए। दूसरों को गुलाम बनाने में हमें एक मानसिक सुकून मिलता है, परंतु यह दूसरों के जो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। कवि कह रहा है कि बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, कि मैंने कभी किसी को गुलाम बनाने के लिए कभी कोई जाल नहीं बिछाया, किसी परिंदे को फंसाने के लिए मैंने कभी कोई फंदा नहीं लगाया, बट लीव दैट फ्लाइंग थी, बल्कि उन्हें क्या किया, उड़ने के लिए मैंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया, बट लीव दैट फ्लाइंग थी, उन्हें उड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, उन्हें आजाद कर दिया, क्योंकि पक्षी का स्वभाव ही उड़ना है। ठीक है, इस चीज को समझ जाऊंगा। जैसे मछली का स्वभाव तैरना है, ठीक इसी प्रकार पक्षी का स्वभाव उड़ना है। पक्षी की उड़ान के ऊपर रोक लगा दी जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके स्वभाव की हत्या कर रहे हैं। आप मछली को तैरने से नहीं रोक सकते, आप परिंदों को उड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, ये उनके अपने जीवन का हिस्सा है। तो कभी कह रहा है बिकॉज आई स्टेट नो स्टे, मैंने कभी कोई फंदा नहीं लगाया, बट लीव दैट फ्लाइंग थी, मैंने क्या किया, उन्हें उड़ने के लिए मैंने आजाद रखा, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। इसलिए कवि कहता है कि हवा में प्रवास करने वाले, हवा में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, बिलोंग टू मी, वो सब मेरे अपने हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव जो पक्षी होते हैं वो हमारी फितरत को भी पहचान लेते हैं। आपके घर आंगन में यदि पेड़ वगैरह लगे हों और आपके मन में ये ख्याल पनपे कि किसी पक्षी को मैं पत्थर मार दूं, आपके मन में ये ख्याल भी आएगा तो वो परिंदे आपके घर के आंगन के पेड़ के ऊपर नहीं आएंगे। पर आपके मन में है कि नहीं, इनको दाना पानी डालू, इन्हें पानी पिलाऊ, ये सब मैं करूं, तो आपकी उस फीलिंग्स को पक्षी वैसे समझ जाता है, क्योंकि उनकी सिक्स सेंस हमसे ज्यादा होती है। वो बोल नहीं सकते हैं पर वो समझ बहुत जल्दी सकते हैं, क्योंकि आपके उस जज्बात को पकड़ लेते हैं। तो यहां पर जो कवि है तो खुश हो रहा है, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर, मैंने कभी भी किसी के लिए, पक्षी के लिए कोई मैंने फंदा नहीं लगाया, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैंने उन्हें उड़ने के लिए आजाद छोड़ दिया, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। और कवि आगे कहता है कि इसलिए जितने भी ये पक्षी हैं, इसलिए कवि कहता है कि जितने भी पक्षी हैं वो मुझे लगता है कि वो मेरे अपने हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उड़ने के लिए आकाश में खुला छोड़ दिया, बिलोंग टू मी, वो मुझसे संबंधित थे। वो क्यों, उन पक्षियों के साथ अपनापन इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें आजाद किया है और उनकी आजादी के अंदर कभी खलल नहीं डाली, उन्हें गुलाम बनाने की कभी कोशिश नहीं की। इसका गाना नंबर सेकंड, फ्रॉम द ब्लू टीट, एक छोटी सी चिड़िया होती है ब्लू टीट ऑन द स्नो, बेर का एक छेता सा पेड़ होता है, टू द ईगल, ईगल पक्षियों का राजा, ईगल बाज, सचिल भी कहते बाज, दुनिया में सबसे बड़ा पक्षी जिसके पंख बहुत फैलते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है, ईगल। यहां पर कवि ने दो प्रकार के पक्षियों को लिया, देखिए, फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, क्योंकि ईगल का स्वभाव है, बाज का स्वभाव होता है बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, अनकेज्ड, केज का मतलब होता है पिंजरा,
अनकेश का मतलब पिंजरा रहित, मतलब ये कि स्वतंत्र आजाद। दे कम एंड गो फ्रॉम माय डिलाइट, डिलाइट का मतलब प्रसन्नता। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां इसने दो प्रकार के पक्षियों का जिक्र किया है। एक तो बहुत छोटी चिड़िया फ्रॉम द ब्लू ईट ऑन द स्नो, स्नो का मतलब एक छोटी से बेर का पेड़ होता है, कंटीला पेड़ होता है, उस कंटीले पेड़ के ऊपर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया ब्लू टीट, या दूसरी तरफ टू द ईगल ऑन द हाइट, दूसरी तरफ विशाल परिंदा, विशाल पक्षी ईगल बाज, जो आसमान की अनंत ऊंचाइयों में उड़ता है, बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता है, वही दूसरी तरफ ब्लू टीट नाम की जो छोटी सी चिड़िया होती है वो बेर के पेड़ के ऊपर बैठती है, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर बैठती है। अनकेस्ट एक कमेंट गो, वे दोनों ही मेरे पास आते हैं और जाते हैं। अनकेस्ट एक कमेंट गो, वे आते हैं और जाते हैं, क्यों? अनकेस्ट बिकॉज दे आर अनकेस्ट, क्यों? क्योंकि वो बंधन में नहीं है, उन्हें किसी ने गुलाम नहीं बनाया है, उनका काम ही आना और जाना। देखिए जिंदगी चलने का नाम होती है, आपने बहुत मुश्किल से किसी परिंदे को एक जगह बैठे हुए एक जगह सोते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि बस उनके लिए उनका तो संपूर्ण जीवन उनकी अपनी उड़ान होती है। यदि किसी परिंदे को मारना है तो उसे मारने की जरूरत नहीं है, आप उसकी उड़ान को रोक लीजिए। आपने देखा होगा कि आप में से अक्सर कई लोगों ने हम तोते पालते हैं, पक्षी पालते हैं, एक वो तोता जो आपके घर के अंदर पिंजरे के अंदर कैद है, उसे बहुत सारा खाना मिलता है, अच्छे से अच्छा खाना आप देते हो, परंतु उसके पंख मुरझाए हुए, उसके पंखों में वो चमक नहीं है, उसकी आंखों में वो चमक नहीं है, उसकी आवाज भरी भरी है। वही दूसरी तरफ एक ऐसा तोता जो जंगल में रहता है, पेड़ों पे घूमता रहता है, खाने पीने का उसका कोई ठिकाना नहीं, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, परंतु उसके पास एक चीज है जो पिंजरे में बंद तोते के पास नहीं है, उसके पास अपनी उड़ान है, जबकि पिंजरे में जो तोता है उसकी उड़ान को आपने छीन लिया है, इसलिए वो अपने आप को काफी अधूरा महसूस करता है। तो यहाँ पर जो कवि कहता है कि चाहे छोटी सी छोटी चिड़िया हो जो बेर के पेड़ के ऊपर कंटीले पेड़ के ऊपर बैठती है, ये या बड़े से बड़ा बाज पक्षी हो जो आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ता है, अनकेस्ट कम एंड गो फॉर माय डिलाइट, वो आते हैं और जाते हैं और मुझे क्या कर जाते हैं, प्रसन्न कर जाते हैं, और प्रसन्न भी इसलिए कर जाते हैं बिकॉज द ब्लू टीट एंड द ईगल इज द अनकेस्ट, ये दोनों के दोनों क्या है, अनकेस्ट है। अनकेस्ट का मतलब इन्हें पिंजरे में नहीं डाला गया है, ये आपको प्रसन्न करना छोड़ देंगे तो जिस दिन उन्हें आप पिंजरे का हिस्सा बना दोगे, या जिस दिन उन्हें क्या करोगे, आप अपना गुलाम बना दोगे। इसलिए चाहे पक्षी कोई भी हो, सबसे महत्व रखता है उनकी अपनी आजादी, आप उनकी आजादी छीन लीजिए वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जिन परिंदों को देखकर आपको प्रसन्नता मिलती है, देखिए जंगल में नाश्ता हुआ बोर अपने पंख फैलाकर, जब बारिश आती है अपने गोल पंख फैलाकर रत्ता का बहुत विशाल आकार से जब वो नाश्ता है, तो उस प्रकृति कुदरत की जो सुंदरता में चार चांद लगा देता है। उसी मोर को यदि आप एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद कर दो तो शायद वो कभी नाच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आजादी उसके लिए सबसे बड़ा विषय होती है, उसकी आजादी उसके लिए अपना जीवन होता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों, चाहे ब्लू टीथ हो चाहे यहाँ पर ईगल हो, दोनों के दोनों उसको कभी को पसंद करते हैं, हमें पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी उड़ान भर सकते हैं, कभी भी आसमान की उन सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक वे पहुंच सकते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर अनकेस्ट। अब थर्ड, देखिए बिल्कुल सिंपल सा लगता है, पर इसका जो कहने का जो तरीका है, कवि ने जिस हिसाब से कहा है, ये चार लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा आप समझिए। सनवार्ड का मतलब होता है सूर्य की तरफ, ऊंचाई और ऊंचाई की तरफ। एंड सो द सनवार्ड आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग्स, एक शब्द है आई आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग्स, सोर का मतलब उड़ना, सनवर्ड का मतलब सूर्य की तरफ, सनवर्ड का मतलब सूर्य की तरफ।
एंड सो द सन वर्ड मिली आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स. विंग्स का मतलब पंख. कवि कह रहा है कि एंड सो द सन वर्ड मिली आई सोर ऑन द ईगल्स विंग एंड इन माई हर्ट ऑल दे द ब्यूटी सिंग्स. हर्ट का मतलब हृदय. इतनी कमाल की लाइन है. कभी इसमें पक्षियों के साथ अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट करता है. देखिए ये कनेक्ट करना तभी संभव होता है जब आप जज्बातिक रूप से उनके साथ अटैचमेंट महसूस करो. तब आप सिर्फ शब्दों के माध्यम से किसी से कनेक्ट होना चाहो तो मुश्किल है क्योंकि शब्द तो दिमाग की उपज है पर एहसास यहां से निकलते हैं कि जब तक एहसास और शब्द दोनों साथ में नहीं मिलेंगे तब तक किसी के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. यहां पर देखिए जो कवि कह रहा है एंड सो द सन वर्ड में और आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग. कवि कह रहा है कि आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उठते हुए बाज के उन बाज के पक्षी पर बैठकर या बाज के पक्ष जो जो बाज का जो पंख जो बाज होता है ईगल होता है उसके पंख पर बैठकर मैं कहां उठता हूं सूर्य की तरफ में उठता हूं. एंड सो द सन वर्ड में आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग्स. ईगल के पंखों पे सवार होकर मैं सूर्य की तरफ अनंत ऊंचाइयों तक मैं उठता हूं. एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्यूटी सिंग्स. और कभी कहता है कि पूरे दिन मेरे हृदय में जो ब्यूटी छोटी सी जो चिड़िया का जो संगीत है उसका जो गीत है पूरे दिन मेरे दिल के अंदर छोटी सी चिड़िया का वो संगीत गूंजता रहता है. इसे कहते हैं कि इंटरकनेक्शन संबंधित हो जाना किसी के साथ अपने आप को जोड़ लेना. देखिए इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें इंटरकनेक्शन का मतलब थोड़ा सोच लीजिए. आपका बहुत अच्छा दोस्त है कोई बहुत अच्छा सबसे जिसे कहते बेस्ट है उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है. व्हाई बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विथ हिमसेल्फ क्योंकि उसके साथ आप जुड़े हुए यू आर कनेक्टेड है. यदि किसी के साथ आपके दोस्त के साथ बुरा होता है तो आप बहुत बुरा महसूस करते हो. क्यों संभव कभी ये तब आप उसके साथ बहुत ही शिद्दत के साथ जुड़े हुए हो. यहाँ पर कभी पक्षियों के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी जुड़ाव की वजह से वो फिर कहता है एंड सो द सन वर्ड में आई सॉ ऑन द ईगल्स विंग कि बाज के पंख पर सवार होकर मैं भी उड़ पड़ता हूँ सूर्य की तरफ उस अनंत ऊंचाइयों की तरफ. वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन ब्लूटिट नाम की वो छोटी सी जो चिड़िया है मेरे मन में उसका संगीत भी हमेशा गूंजता रहता है. और ये संभव सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिकॉज द ब्यूटी इज द फ्री क्योंकि वो छोटी सी चिड़िया भी फ्री है दूसरी तरफ वो ईगल जो विशाल परिंदा है पक्षी है वो भी अपनी तरफ से क्या है फ्री है. यदि इन दोनों को किसी पिंजरे के अंदर यदि बंद कर देते हैं कि आजादी को छीन लिया जाता तो न तो बाज अनंत ऊंचाइयों तक उड़ सकता था न वो छोटी सी चिड़िया अपने पूरे सुर के साथ गा सकती थी. और ये सब इसलिए हो सकता है बिकॉज दे आर अनकेज्ड उन्हें पिंजरे में नहीं रखा गया है. तो जो तीनों जो स्टांजा है मेरे हिसाब से एक ही बात इसमें एक लाइन है एक लाइन में पूरी बात कही जा सकती है कि जो कि आप किसी भी प्रकार से यू कांट स्टील एनी फ्रीडम एनी वंस फ्रीडम आप किसी की आजादी को चुरा नहीं सकते. आजादी स्वभाव का हिस्सा है हमारे अस्तित्व का हिस्सा है उसे छीनना भी नहीं चाहिए. हर व्यक्ति यदि आजाद है फ्री है और किसी की आजादी में इंटरफेयर नहीं करता है तो इसका मतलब यहाँ पर सभी सुखी हैं. यहाँ पर सिर्फ इंसानों की बात की कही जा रही है इंसानों के साथ साथ पक्षियों की भी बात की जा रही है. तो सिर्फ तीन स्टांजा है इसके अंदर. इसके चले क्वेश्चन आंसर थोड़ा देख लेते हैं कर ले तो आप कहेंगे कुछ लोगों ने तो पहले दो पार्टों के कर ही लिए बधाई के पात्र हैं. और सिंपल से क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखिए वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पॉइंट. सभी पक्षी कवि से संबंधित क्यों है बताओ आप बताओगे बोल नहीं पाओगे क्योंकि दे आर अनकेस्ट. सभी पक्षी कवि को सभी पक्षी अपने क्यों रखते हैं. एवरी बर्ड इज बिलोंग टू द पॉइंट बिकॉज दे आर अनकेस्ट क्योंकि वो क्या है पिंजरे में नहीं मुक्त है आजाद है. वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फ्रॉम द पॉइंट्स जॉय. इसका भी वही है कि आ जा क्यों सकते हैं बिकॉज दे आर अनकेस्ट. विच बर्ड्स डज द पॉइंट मेंशन. देखिए थोड़ी देर के लिए आप देखिए कि आपको क्वेश्चन आंसर तो पूछता ही नहीं है परंतु थोड़ा
ये कर लीजिए थोड़ा काम, मैं आपको चार क्वेश्चन दे रहा हूं या लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। जैसे ये पैसेज है, लुक हियर एवरीवन, ये पैसेज, इस पैसेज को पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2018। आप एग्जाम में कैसे पूछेगा, देखिए जैसे ये चार, एक दो तीन और चार लेंगे, वो चार क्वेश्चन के पूछेगा, जैसे आपको पूछे, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आप लिख दे, लिखिए इसे कर दें आपको, व्हाट डज द पॉइंट नॉट डू विथ द बस। Who belong? Who belong to the poet? Why do they belong to the poet? ठीक है, आपको किसी भी स्टार्ट की चालाई में पूछ देगा, उसके आपको एक दो क्वेश्चन करने के लिए वो दे देगा। यहां पर जैसे ये स्टार जाए, इसके दो क्वेश्चन दे दिए उसने, दो दो नंबर के। पहला है व्हाट डज द पॉइंट नॉट डू विद द वर्ड्स, इसका आंसर इसके अंदर है, आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। हु बिलोंग टू द पॉइंट एंड व्हाई डू दे बिलोंग टू द पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी के अंदर से है। और आपको जो चार नंबर का जो पूछेगा इसी प्रकार से स्टार जा बना के देगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे एक बुक के क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर लेंगे। पहले आप ये कीजिए, इसकी इसी प्रकार पहला स्टांजा, दूसरा स्टांजा, तीसरा स्टांजा, तीनों के क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, इनमें से वो पूछेगा। फिर देखिए बहुत ही हम सिंपल काम कर रहे हैं, रोज के हम लगभग दो घंटे ले रहे हैं, दो घंटे में आपके ले रहा हूं। और ये आप आराम से कंफर्ट जोन में बैठे हुए, न कहीं आना न कहीं जाना, न गर्मी लगती, खाना घर पे मिल जाता है, आराम से डिस्टर्ब में बैठे बैठे आप पढ़ सकते हो। करना क्या है, दो घंटे पढ़ने के बाद एक दो घंटे आप भी पढ़ लो, तो मैं चाहता हूं कि 200 नंबर की दो किताबें इस गर्मियों की छुट्टियों में हम कंप्लीट करके एक तरफ रख दें। धन्यवाद, मिलेंगे कब, ठीक 10 बजे, धन्यवाद।